आप सभी का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत। जैसा कि पिछली बार जब ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बच्चों की बीमारियों के बारे में, जिसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, तो उसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि जल्दी ही हम इस डिपार्टमेंट में दूसरा डॉक्टर लेके आएंगे। लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि हिमकेयर में वी आर ट्राइंग टू एक्सपेंड आवर सर्विसेज टू हिमकेयर पेशेंट्स। उसमें शिशु विभाग, जो बच्चों की बीमारियां होती हैं पैदा होने के बाद, जो 30 दिन तक काम का पीरियड लेते हैं, उन बीमारियों के इलाज के लिए हमने हिमकेयर को एम्पैनल किया है। तो उस टाइम भी ये बात हुई थी कि हमारे पास जैसे एक डॉक्टर है, हो सकता है कभी वो छुट्टी पे हो और कोई ऐसा के बाद गैप आ जाता है कि केयर में कोई किसी प्रकार की समस्या ना हो, तो हम जल्दी ही दूसरा डॉक्टर भी एनरोल करेंगे। तो अभी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया और अब हमने एक नए डॉक्टर साहब को अपने बोर्ड में लिया है, पैनल में लिया है। इनका नाम है डॉक्टर सुहेल सैफुल्ला जी। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पढ़े हुए हैं। उसके बाद इनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो पढ़ाई है बच्चों की, वो भी शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट श्रीनगर से ही है। दोनों बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा इन्होंने एक अपनी एफर्ट के साथ ही MRCP की पढ़ाई होती है, उसमें पार्ट वन पार्ट टू दोनों क्लियर कर लिए। अब सिर्फ इनका पार्ट थ्री रहता है जो लंदन में जाके होती है, वो सिर्फ एड ऑन करने के लिए ताकि इनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाए। अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हमें लगता है कि बड़े एनर्जेटिक हैं और इन्होंने 1.5-2 साल जो काम किया है वो ICUs में ही किया है। न्यूली बॉर्न बच्चों के जो ICUs होते हैं या पीडियाट्रिक्स के ICUs होते हैं, उसमें काम किया है और हमें लगता है कि इनको एड ऑन करने से हमारा जो डिपार्टमेंट है और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और दो लोगों की जो टीम होगी, दो डॉक्टर्स की टीम होगी, वो बहुत अच्छे से इस सर्विस को लोगों को मुहैया करवा सकेगी। आगे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे अपने बारे में कि क्या ये कर सकते हैं, क्या ये वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं हमारे इस डिपार्टमेंट में, वो डॉक्टर सुहेल जी आपको बताएंगे। थैंक यू आप सबका इस कॉन्फ्रेंस में आने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल सैफुल्ला है। मैंने अपना MBBS GMC श्रीनगर से किया है और अपना MD पीडियाट्रिक्स न्यूरोलॉजी की पढ़ाई स्किम्स से, जैसे कि आप सर ने ऑलरेडी बताया उसके बारे में मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ पे जो क्या है, एक पीडियाट्रिशियन ट्रेनिंग की वजह से पीडियाट्रिक्स की जो सर्विसेज होती है, पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजी, जो कि एक ICU ही होता है, इनफैक्ट सबसे टेंडर एरिया जो बोलेंगे एक हॉस्पिटल का न्यूनेटल ICU होता है, वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो पीडियाट्रिशियन 4 बजे जाएगा या छुट्टी भी कभी जाएगा। सो यू हैव टू हैव ऑल टाइम, यू हैव टू हैव समबडी हु लुक्स आफ्टर दिस बेबीज। सो आई एम हियर टू फिल दैट गैप एंड विल बी हियर 24/7 टू केटर टू ऑल न्यूनेटल इमरजेंसीज, ऑल पीडियाट्रिक इमरजेंसीज। और मैं जो हूँ, आई कैन हैंडल एवरी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, वो फिर एक्सट्रीम प्रेमेच्योरिटी हो, वो न्यूरोनेटल वेंटिलेशन हो, या पीडियाट्रिक की कोई भी इमरजेंसी हो, बच्चे को सीजर्स आ रहे हो, ग्रोथ फॉल्टरिंग हो, थायराइड की कोई बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, जैसा भी पीडियाट्रिक, फिर वो आउटडोर बेस्ड हो या इंटेंसिव केयर भी उसको चाहिए, हमारे पास यहाँ पे पीडियाट्रिक SDU भी है। सो मी एंड डॉक्टर पुनीत, वी हैव फॉर्म्ड a good pediatrics department and will be able to cater to all sort of emergencies and all sort of outpatient clinical issues that jo bacche hamare paas lekar aayenge। और चूँकि हमारे पास अभी हिमकेयर की भी सेवा यहाँ पे मौजूद है, तो उसमें से हमारे 6 महीने तक के बच्चे उनको फ्री ट्रीटमेंट मिल सकता है। और तो हमारा जो न्यूरोटॉलॉजी होता है वो 1 महीने तक कवर होता है, और जो इन्फेंसी का एज होता है फ्रॉम 1 मंथ टू 6 मंथ, उसमें भी कई दफ़ा पेशेंट्स बीमार हो जाते हैं, उनको निमोनिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, कभी कभी मायोकार्डाइट्स हो जाता है, तो वो भी कवर हो जाएंगे टिल 6 मंथ्स अंडर दैट हिमकेयर। और हमारे पास पीडियाट्रिक SDU है, हम नॉन इनवेसिव वेंटिलेशन कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो वी विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी जेंटली एंड विद परफेक्शन, क्लिनिकल एक्सलेंस। तो ये सब मैं बोलना चाहता था आपके माध्यम से, लोगों को बोलना चाहता हूँ दैट वेन एवर दे कम 24/7, जब भी आए, दे कैन रेस्ट अश्योर दैट दे विल बी इन स्किलफुल हैंड्स, दे कैन रेस्ट अश्योर दैट दे कैन गेट द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट देयर किड्स डिजर्व। उनको वो ट्रीटमेंट मिलेगी जो दुनिया की सबसे, मतलब जो उनको मिलनी चाहिए, जो वो डिजर्व करते हैं, उनको 24 घंटे कभी भी मिल जाएगी मेरे या डॉक्टर पुनीत के माध्यम से। बिलरुबिन का बढ़ जाना,
हमारे जब रेड सेल्स जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लंग्स से बाकी टिश्यूज तक जाता है, वो बच्चे में कम ऑक्सीजन, माँ के पेट में कम ऑक्सीजन होने की वजह से बच्चों में कहीं ज़्यादा होता है। आपके और हमारे पास खून में 3.5 मिलियन से 5 मिलियन सेल्स हैं, उनके पास लेकिन 6 मिलियन से 7 मिलियन होते हैं। तो जो ही वो एक्सट्रूड मतलब माँ के पेट से निकलते हैं, उनको एक दूसरे एनवायरमेंट में अडाप्ट करना होता है, तो वो जो एक्स्ट्रा रेड सेल्स है, कंक्लूसिव में इतना बोलूंगा कि वो एक्स्ट्रा रेड सेल्स टूट जाते हैं, वो एक्स्ट्रा रेड सेल्स टूटने से ही उनका जो अंदर का मटेरियल वो बाहर निकलता है जिसको लिवर बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है। तो दो चीज़ें हैं, उनका लिवर इमेच्योर होता है वो सब बिलिरुबिन लोड हैंडल करने के लिए, और नंबर टू उनके एक्स्ट्रा आरबीसीज होते हैं जो एक्स्ट्रा बिलिरुबिन भेजते हैं, तो उसकी वजह से न्यूरोनल जॉन्डिस हो जाती है कई दफ़ा। मतलब आप मानो 70-80% एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेनन है, मतलब हर किसी में हो जाता है, लेकिन अगर ये लेवल एक सेट डे पे क्रॉस करे, आप मानिए कि पहले दिन का बच्चा अगर उसको 12 से ज्यादा बिलिरुबिन हो, या दूसरे दिन का बच्चा आप मानो, डिपेंडिंग ऑन वेट क्या है, बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे टर्म है प्रीटर्म है, उस पे भी डिपेंड करता है, तो एक सेट आप मानो 15 से ज्यादा हो जाए दूसरे दिन पे, तो उसको उस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, यूजुअली फोटोथेरेपी यानी लाइट, एक सेट के लाइट के नीचे उनको रखते हैं, और विद इन अ डे और टू वो बिलिरुबिन नीचे आ जाता है। कभी कभी उनका खून भी चेंज करना पड़ता है, आप मानो किसी दूसरे दिन किसी बच्चे को 25 बिलिरुबिन हो, तो चूंकि वो बिलिरुबिन उसके ब्रेन को असर करके कनेक्ट कर दे, उनका खून चेंज करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास ब्लड बैंक ब्लड सेंटर अवेलेबल है, और अगर ज्यादा खून भी चाहिए तो एक बॉटल एक जो 400 ml में तो बच्चे का हो जाएगा, अगर और भी तो we can arrange it. So we have that facility. अगर किसी को ब्लड एक्सचेंज करना भी हो तो we can, me and Dr. Puneet, we can differently handle. इससे कैसे बचाव किए जाते हैं, जैसे पहले प्रिकॉशन क्या बरते जाएं कि प्रेगनेंसी के दौरान की most of the times जो कॉज है इस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का वो ये है कि माँ का ब्लड ग्रुप जो है बच्चे के साथ मेल नहीं खा रहा। यूजुअली या तो एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होगी, वो इतनी खतरनाक नहीं होती है जो ज्यादा पहले बच्चे में होती है, और ज्यादा जो है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का खतरा, मतलब माँ का ग्रुप आप मानो बी नेगेटिव है और बच्चा जो पैदा हो बी पॉजिटिव है, तो जो डी एंटीजन का ये मिसमैच है, माँ के खून में उसकी एंटीबॉडीज होती है, तो वही एंटीबॉडीज बच्चे तक चली जाती है, वो उसके एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देती है। तो वही सेम चीज है, अगर उस बच्चे के 2 मिलियन आरबीसी टूटने थे, अब 4 मिलियन टूट गए, तो बच्चा जब आता है हमारे पास उसको एनीमिया भी होता है, यानी एक्सेस रेड सेल्स टूट भी होते हैं, और ज्यादा बिलिरुबिन लोड की वजह से उसको ज्यादा जॉन्डिस हो जाती है कम टाइम में, और वही जॉन्डिस वही बिलिरुबिन ऊपर जाके ब्रेन में फिर हैवॉक क्रिएट करता है। तो ये तो एक कॉज है, यानी माँ का ब्लड जो है मैच नहीं कर रहा। नंबर टू इंपॉर्टेंट कॉज, अभी तक मैंने दो केसेस ऐसे देखे अपने छोटे से टाइम में यहाँ पे, वो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होता है, मतलब पहले 7 दिन में जो है माँ अपना दूध नहीं पिला रही है बच्चे को, उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा यूजुअली हमारे पास डिहाइड्रेटेड आता है, और ये जो है उस डिहाइड्रेशन की वजह से उसका जो विद इन फर्स्ट 7 डेज ये जो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाता है, उसका बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो ये दूसरा एक कॉज है, और भी बाकी सारे कॉज है, लेकिन मेरे क्लिनिकल के हिसाब से, मेरे क्लिनिकल एक्यूमेन के हिसाब से ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिनकी वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ये तो कॉज की बात थी, प्रिकॉशन की बात है, कैसे बच सकते हैं, अगर बच सकता है यही कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जब हो, माँ का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, जब भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, उसकी अबॉर्शन हो या उसका बच्चा पैदा हो पहली प्रेगनेंसी के वक्त ही, वो अपने गायनोकोलॉजिस्ट से एनटीडी का टीका लगवा दे, उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट प्रेगनेंसीज है वो बच जाएंगी ऐसे जॉन्डिस से। नंबर टू जो पैदा जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है, उसके लिए मम्मा हमेशा कोशिश करें कि जो उसका बच्चा है वो अच्छे से दूध पी रहा है। अब उसके कई सारे क्लूज है कि मेरे बच्चे का पेट भर रहा है दूध पीने से। नंबर एक ये है कि जो बच्चा है जब दूध पी रहा है 2.5 घंटे तक वो सो रहा है, 2.5 घंटे तक वो जाग नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि जब माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो विद इन 1 घंटे के बाद ही वो इरिटेबल हो रहा है और वो रोने लग रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चे का पेट भरा नहीं। नंबर टू ये है कि बच्चे का वजन बढ़े, हर दिन बच्चे का 15 दिन की उम्र के बाद बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए 30 ग्राम/kg पर डे। तो आप मानो बच्चा अगर 3 किलो का आपने पैदा किया है, 15 दिन की लाइफ के बाद उसको 90 ग्राम हर दिन बढ़ना चाहिए। तो ये नंबर टू है कि माँ अपने बच्चे को अच्छे से दूध पिला रहे। नंबर थ्री इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा 24 घंटे में कम से कम 6 यूरिन करे। अगर बच्चे को 24 घंटे में 6 पेशाब से कम आ रहा है, उसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेटेड है, उसका सफिशिएंट मिल्क नहीं मिल रहा। ये सब चीजें हैं कि जब हमारे पास वो बच्चा आएगा वो यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस करके आएगा। तो एक यहाँ थोड़ा सा एक फिनोमेना चल रहा है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ जब भी कोई पेशेंट इस तरह के मामले आते हैं, चाहे टांगा में या इन हॉस्पिटल्स में, तो कुछ पेरेंट्स जो है वो यहाँ कई दुकानें खोल के बैठ गए लोग, तो वो बोलते हैं कि हम इसके बड़े एक्सपर्ट हैं और आपके पास इसका इलाज नहीं है जबकि हमारे पास है, वो दावा करते हैं इस तरह से। तो यहाँ से बहुत से लोग जो है वो उनके पास जाते हैं, तो वो जाना सही है या गलत है, किस तरह से? देखिए ऐसे दावे का जैसे एक उदाहरण है बहुत बड़ा, सॉरी
और वहाँ से या टांडा से और चुपचाप उनके पास ले जाते हैं, तो क्या वो खतरनाक है? वो बिल्कुल खतरनाक है। हमारे ये बहुत सारे ऐसे हर जगह में ऐसे ऐसे चीज होते हैं। देखिए ये जो लोग है ना, ये इनकी प्रैक्टिस चलती है उन चीजों की वजह से जो चीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हेपेटाइटिस ए है, 99% ऑफ टाइम्स हेपेटाइटिस ए 21 दिन एक महीना जॉन्डिस रहेगी, एक महीने के बाद अपना इम्यून सिस्टम उस वायरस को लिवर में खत्म कर देगा। तो वो वाला जॉन्डिस पेशेंट जाएगा उसके पास, आंख में पानी डालेगा, कुछ जो भी उसको खाने को देगा, वो जॉन्डिस ठीक हो जाएगी। हर कोई बोलेगा देखो इसकी वजह से जॉन्डिस ठीक होगी, लेकिन ये एक सेल्फ जो है सेल्फ कंट्रोलिंग जॉन्डिस है, जो खुद अपने जो खुद टाइम पर पैदा ये खत्म हो जाती है। मैंने अभी आपको कहा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि हर न्यू बॉर्न को हो, लेकिन विद इन यूजुअली 7 to 14 days वो खत्म होती है। तो 90% ऑफ टाइम्स इस बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब बच्चे सब उसके पास जाएंगे और उनको विद इन खुद नेचुरल हिस्ट्री से अपनी जॉन्डिस ठीक हो जाएगी, लोगों को लगता है कि नहीं इसने जॉन्डिस ठीक की है। अब जो इक्का दुक्का बच्चा इसके पास महीने में जाएगा जिसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो, वो जब ठीक नहीं होगा वो फिर हमारे पास आता है कनेक्टर्स करके, और वो एक सेरेब्रल पाल्सी होती है। सेरेब्रल पाल्सी मतलब वो बच्चा आगे जाके इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है, वो बच्चा आगे जाके अपाहिज बन जाता है, और वो जो होते हैं वो बहुत गंदी कनेक्टर्स वाली सीपी, बहुत गंदी सीपी होती है, वो कोरी एथेट्रॉइड सीपी होती है। बच्चे को कैसे कैसे मेरी सलाह यह है कि उन लोगों के भरोसा नहीं करना है, साइंस पे भरोसा करना है, एलोपैथिक मेडिसिन पे भरोसा करना है। और कोई आपको कुछ भी बोले कि मैं जी इसको ट्रीट कर सकता हूँ, इन सब लोगों के पास नहीं जाना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अवली ये इलीगल चीज़ है, तो अगेंस्ट लॉ भी है कि अगर आप विदाउट ए डिग्री और विदाउट ए लाइसेंस किसी को बोल रहे हो कि मैं जी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। और नंबर टू ये है कि सोसाइटी को बहुत बड़ा धोखा है कि मैं इस चीज़ को ट्रीट कर सकता हूँ, जबकि वो बच्चे फिर हमेशा के लिए अपाहिज बन सकते हैं। मैंने अपने श्रीनगर में 4 ऐसे केसेस देखे हैं विद इन वन ईयर स्पैन ऑफ टाइम जो मेरे पास आए 26-27 बुलेट रन करके। बहुत लेट हो गया था, लेकिन वो ऐसे ही जो है ऐसे ही लोगों के पास गए थे जिन्होंने कहा था कि दावा किया था कि हम उनके बुलेट रन ठीक करेंगे। तो ये तो आए दिन होता है, लेकिन लोगों का अवेयरनेस बढ़नी चाहिए कि हमारे जब बच्चे बीमार हो हमको किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने लिए बोल नहीं पाएगा, है ना। तो ये सब मैं बोलना चाहूँगा।